खबर शिवपुरी से है, जहां जिला कांग्रेस ने किसान न्यायिक यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस पहरी विधायक कैलाश कुशवाहा, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान शामिल हुए। इनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो छवि सिंधिया जी ने अपनी और अपने परिवार की खराब की है, उसकी सिंधिया जी चिंता करें, कांग्रेस की चिंता ना करें। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। आज हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने हमें निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में जाकर किसान न्याय यात्रा के रूप में हमारे किसान भाइयों की आवाज़ को उठाना है। और जो लगातार मांग उठती रही है कि जिसमें सोयाबीन के भाव 6000 रुपये क्विंटल के मिले, धान के भाव 3100 मिले और गेहूं के भाव 2700 मिले, उसके लिए लगातार जो बीजेपी झूठ बोल रही है सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार जो कृषि मंत्री बन गए केंद्र के शिवराज सिंह चौहान, वही झूठ बोल रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री वही झूठ बोल रहे हैं कि हम किसानों की आवाज़ सुनेंगे। जो भाव आज से 15 साल पहले हुआ करते थे, आज तक वो भाव है, जहां लागत दुगनी और तिगनी हो गई है, लेकिन आज किसान की आमदनी आधी रह गई है। इस बात को आज उठाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और पूरा शिवपुरी जिला प्रत्येक घर में से, प्रत्येक गांव में से, गली मोहल्ले से आज निकल के आए हैं। आज जितनी बड़ी ट्रैक्टरों की संख्या और किसान भाइयों की संख्या यहाँ पर आई है, युवा और महिलाएं आए, इतिहास बन गया है, बहुत सफल यात्रा रही।